पेपर है जिसको मनुवादियों ने 10 साल पहले पहचान लिया था, अब अभी तक हम लोग नहीं पहचानते। मिस्टर मोदी अडवाणी और अपने पार्टी को पीछे धकेलने का काम गुजरात का चीफ मिनिस्टर होकर के इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर से पूरे देश में अपना न्यूज निकलवाते रहे और यहाँ ये बड़े बड़े नेता बैठे रहे और जनता तक पहुंच गए, जनता की आवाज बन गए, तो पुराने नेताओं को जनता ने रिटायर कर दिया। ये हुआ केजरीवाल केवल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, मेन मीडिया बात करके यहाँ का मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो पावर जिसकी ताकत को आप महसूस करिए, आप इसका इस्तेमाल करिए, नहीं आता तो हमें बताइए, हम लोग इस पर इसमें एक्सपर्टीज है हमारे। तो ये आप लोगों से आग्रह है, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सभी लोग, व्हाट्सएप पर स्टेट का दो स्टेट लीडर, हर डिस्ट्रिक्ट से 2-3-4 लोग को डाल एक ग्रुप बना लेना चाहिए। मान लो बिहार के 30 जिले, तो हर 30 जिले से 15 जिले में, 20 जिले में हमारा यूनिट है, तो 5-5, 10-10 आदमी चुनेगा, वो तो 100-150 हो जाएंगे, 265 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। कोई यहाँ से न्यूज गई या खुद वहां का हो, एक जगह एक व्हाट्सएप डालोगे तो सारे जिले में चला जाएगा और जिले वाले को ब्लॉक के साथ में सब लोगों को इस तरह से बनाना चाहिए, ये रेगुलर होना चाहिए, इसमें 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं। अभी मैं सत्याग्रह पर था, मैंने 2 ट्वीट मार दिया वहीं पर, किसी को पता नहीं चला, मैं सारा खुद लिखता हूं, मैं अपना जो है, और लोग कहते हैं साहब जैसा लिखते हैं ऐसा चिड़ती हुई चली जाती है, यू डेवलप हैबिट टू राइट, 2-3 लाइन लिख करके इतना पॉपुलर हो सकते हो, ताकतवर हो सकते हो, मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हो, सस्ता काम करो, व्यापार करो तो सोना का, शेयर का, ये व्यापार मत करो सब्जी बेचने का, उसमें मुनाफा नहीं होता, सब्जी मत बेचो, खेती मत करो, खेती में कोई फायदा नहीं होगा, एक जोड़ी जूते की कीमत 25,000 भी हो सकती है, 50,000 हो सकती है, एक एक गारमेंट्स जो लेडी गारमेंट्स वेडिंग के होते हैं 3-3 करोड़ के होते हैं, 3 लाख के होते हैं, ऐसा बिजनेस करो। उसी तरीके से मैं यह भी आपको समझाऊंगा कि आप करिए, बड़ा आसान है, हम लोगों के सब जगह है, एक बात यह है। दूसरी बात है निजीकरण को रोकने का एक अस्त्र है, दूसरा है कि अगले हर महीने लगभग हर दूसरे महीने यहाँ पर हम इस तरह का जागरण करेंगे, आपका प्रदेश स्तर पर होना चाहिए और ये माहौल पैदा करना, आप माहौल पैदा करें, जाइए भी चर्चा भी करिए, लेकिन जब समय बदल गया है तो उसके हिसाब से आप अपना काम शुरू करें। न्यायपालिका में आरक्षण का मुद्दा हमने पहले से, लेकिन मुझसे तो असमी है, ईवीएम की बेईमानी है, नए राष्ट्रीय विकल्प की तलाश की बात है, आरक्षण पर हमले हो रहे हैं, दलित उत्पीड़न, जाति जनगणना, पदोन्नति में आरक्षण लड़ने, ये 2 मुद्दे हैं जो लेटरल एंट्री है। पहले यह कहा जाता था रे आरक्षण छीन लेंगे तो मैं देखता हूँ कि क्या कर देते हैं, अब उधर बैठ जाइए खत्म उधर खत्म, तो छीन भी लिया क्या कर लिया। और एक और सही है कि जितना ही पीटेंगे उतना ही ये उठेंगे, संगठित होंगे, ये मत सोचना कभी नहीं होगा।
फिट गए तो और बैठ गए, बिना फिटे या फिटे ही उठा लो तो ठीक हो जाए। वरना हजारों वर्ष से मजबूत बने रहे, कोशिश बने रहे, कौन सा उठ गए क्रांति कर लिया। अगर अंग्रेज ना हो सिंधिया जी कहते हैं, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ अंग्रेज ना होते तो आज हमारी हालत, हम हमारी हालत सुधर ही नहीं सकती। आज पाखंड के खिलाफ बोल करके निंदा न करते, बाबा साहब ने कितनी कितनी बड़ी आलोचना कर, आज वो भी होते तो नहीं मिल सकते थे। आप सिर्फ किस तरह से जनता की हालत, सब डॉक्टर रतन लाल जी ने केवल एक शब्द लिख दिया, आज तो घर फूक देते हैं, देश फंसा देते हैं। और एक हमारे नेता ईडी के चक्कर में पूरा बहुजन आंदोलन ही बर्बाद कर। अरे भाई, लोगों ने वोट दिया, नोट दिया किस लिए? केवल सवर्णों को गाली देने के। नोट दिया, नोट दिया इसलिए कि आप आरक्षण की लगा ली गई, 80 लाख पद इस देश में खाली है, उनकी पूरा करने की लड़ाई लड़ी, भूमिहीनों को भूमि की लड़ाई लड़ी। समझ पाती आप बैठे, आप लड़िए न्यायपालिका में आरक्षण की। एक पूरी पार्लियामेंट को कोई कानून बनाने में 2 साल लग जाता है, 1 साल लग जाता, नहीं बन पाता, लेकिन एक जज कलम से लिखते कानून हो जाता है। वहां पर कभी लड़ाई लड़ी है, एक पूरा कुर्बानी व्यर्थ हो गई। कहते हैं जागृति, कौन सी जागृति है? जागृति बिना बिना भागीदारी के, बिना आर्थिक सशक्तिकरण के, बिना शिक्षा के उस दिनों के लिए हो जाती है, उसके बाद में खत्म हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश यादव समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इतने मजबूत हैं कि बीजेपी के जो हुकुमरान का मतलब हुकूमत, वो भी उनसे करते हैं। भले आरोप तक मुलायम सिंह के सरकार के खिलाफ कि जो प्लाट खाली हो समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी का लिफ्ट दे दिया बंदूक का लाइसेंस का हो, जहां भी मुलायम सिंह जी गए हाथ उठाया और कहा जिला जज को यहाँ का मुलायम सिंह गया है, तो डीएमएसपी की हिम्मत नहीं। और यहाँ क्या हुआ, एक तो मिलना नहीं सालों साल तक, और मिलना तो जलील कर देना, और जो मिशनरी सब कुछ बर्दाश्त करते हुए बोर्ड की कमेटी बनाया, समाज को तैयार किया, जिसको विधानसभा लोकसभा में पहुंचना था वो पैसा न दे सका, उसका टिकट काट करके पैसे वाले को टिकट दे दिया, और जो पैसे वाला है उसने जब पैसा दे करके टिकट लिया तो एमएलए एमपी के बाद में क्यों पार्टी में रहेगा, छोड़ देता। आप मिशनरियों को लड़ाया क्या होता, संसद का इस्तेमाल किया क्या होता। अरे हम लोग आज अलग अलग कुछ करते, आज जरूरत थी, आज आरक्षण समाप्त हो सकता, आज हमारे कर्मचारी अधिकारी मारे मारे घूमते, लेकिन सारा व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हो जाना भी तकलीफ नहीं है, क्षति और आपने सेकुलर फोर्सेस का जिन्होंने जो भी कुछ किया था उनको गाली दे दे के। कल एक आदमी ने कहा, मानो काशी राम जी ने कहा चमचा चमचा चमचा,
मैंने खुद अपने हाथ से देखा है, वो आप सब लोग से मंच पर दो ही कुर्सी लगती थी, मायावती जी की और कांसीराम जी की, दो ही कुर्सी लगती थी, बाकी सब जमीन, मैंने एमपीओ को जमीन पर बैठे देखा। ये तो मनवादी पार्टी भी नहीं कर पाती है। मैंने खुद देखा जब रैलियां होती थी तो दो कुर्सी बाकी अपनी अमेले पब्लिक के साथ पब्लिक की तरह आगे बैठना रहता था जमीन पर। आपने क्या दिखाया? आपने चमचाई का विरोध किया। आप तो चमचा लायक ही नहीं समझा, आपने तो गुलाम बना दिया। रमना नायक की शिष्या अंधभक्ति में हम सब लोग भूल गए। तो दो बात है, इसलिए आज नए एक आंदोलन की जरूरत है कि नहीं है नए आंदोलन? और फिर से एक बार मैं और कहना चाहता हूं, ये नीला पट्टा का अंग कहीं अत्याचार हो राजस्थान में, कहीं हो, कुछ हमारे साथी पहुंच जाते हैं और मीडिया खूब हवा दे, दलित उत्पीड़न के बारे में लिखेगी, लेकिन एक वाइस चांसलर तो वाइस चांसलर की पोस्ट हमें हमारी मारी गई उसके बारे में पर मीडिया नहीं बोलती। एक वाइस चांसलर एक मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर होता है। 400-500 प्रोफेसर 4 साल 5 साल में लगा दिया जाता है और 400-500 प्रोफेसर 200 प्रोफेसर बनाना कोई आसान बात नहीं। एक मिनिस्टर दो नहीं बना सकता, उसको तोल देगी। लेकिन हमारे हमारा अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का दूसरा सेकंड रैंक पर होगा, चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के बाद दूसरा होगा। ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जाते। ये न्यायपालिका में आरक्षण हो, इस पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर मीडिया नहीं मिलेगी। इनसे गुमराह, इनसे बचे रहिए। ये भावना में भड़का करके अरे कर रहे हैं, ये पट्टा डाल करके पुलिस से झगड़ा करके इंस्पेक्टर से झगड़ा करके जेल करके और फिर जेल से निकल आना, इससे क्या हमारे को हमें मिला? क्या मिला? इसका रस्सी पट रही हमारी कि हमारी सीटें कम हो रही, वो दुरुस्त हो रहा कि पदोन्नति में आरक्षण हो रहा, कि घूमने को भूमि नई एजुकेशन पॉलिसी खिलाफ क्यों नहीं खड़ा होते जिसमें रिजर्वेशन शब्द नहीं, अशोका यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं घेराव करते कि जहाँ 30-35 लाख में ग्रेजुएट होता अशोका यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ सीधा अमेरिका यूरोप में चला जाता, वहां ये नहीं करेंगे। ये भी एक तरह से दुश्मन है, केवल पॉपुलरिटी चाहिए सुप्रीमो बनने का, एक सुप्रीमो, और मीडिया भी हवा देती। लेकिन फायदा क्या है? अगर ये कहें कि बैंक के डायरेक्टर नहीं हमारे, अभी विनोद कुमार जी का उसके ऊपर धरना दे, सुप्रीम कोर्ट में जजेज नहीं है वहां भी धरना दे, हमारे 48 यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, हमें 5 वाइस चांसलर दे दो। बल्कि अभी हमने कहा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भूले से कभी दलित नहीं बनना चाहिए, राष्ट्रपति बना करके खूब पीटते हम लोगों को, क्योंकि जब पिटाई होती तब करे क्यों परेशान है, आपका आदमी राष्ट्रपति तो है। एक पोस्ट नहीं चाहिए, मैं अभी से विरोध कर रहा हूं। मिस्टर रामनाथ कोविंद 20 मई 2014 को मेरे घर आए, बायोडाटा लेकर के इस व्यक्ति को इसके लायक भी नहीं समझा था कि इसको एमपी का टिकट दिया।
मेरे पास बार डॉक्टर भाई साहब मेरी सिफारिश पार्टी में कर दो, हमका हमका बात करेगा किया नहीं था तो बात, एक साल के बाद में गवर्नर बनता उसके बाद राष्ट्रपति बनता है, इतना एक पोस्टमैन ने काम कर दिया होगा चपरासी में, उतना भी आदमी पांच साल में नहीं काम कर पाया, और बल्कि जहां भी हम लोग जहां भी हम लोगों ने मुंह खोला कि हमारे साथ अन्याय हो रहा अत्याचार हो रहा, तरह से जवाब मीडिया से लोगों साथ, अरे प्राइम मिनिस्टर ओबीसी और दलित राष्ट्रपति है क्या बात कर रहे हैं, कौन सा दलितों का उत्पीड़न रह गया है, कहां है दलित पिछड़े हुए, आपकी लड़ाई कमजोर हो जाती है। हमने फिर हमने कई बार टेलीविजन पर कहा कि असल पूरे में ये राष्ट्रपति हमारे ये चपरासी हमारे यहां ले गया है, तो इसमें गुमराह मत करिए, नीला पट्टा पहन करके कोई चले जाएगा हू करेगा, और इस तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसी वजह से तो सब चला गया, प्रक्रिया की शुरुआत होती थी सत्ता प्राप्त रही सावधान रही थू थू रहेगी ये होता, हमारे लोग भी खूब खुश खुश हो जाते थे, तो 30-40 साल हमारे बहुत खराब हुए, 25 साल बहुत खराब, हम बर्बाद, और जो राहत सही उत्तर प्रदेश के चुनाव में मनुवाद को स्थापित कर दिया, क्या कभी सोचा था कि कभी दलित आंदोलन पैदा होगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ज्योतिका पासुले या बहुजन के नाम पर और वो आंदोलन जाकर के मनुवाद को मजबूत कर देगा, कभी सोचा था, अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं लोग, उनका अगर इनका वोट उत्तर प्रदेश में नहीं मिला होता मनुवादी सरकार उत्तर प्रदेश में न बनती, और एक बार उत्तर प्रदेश से उभरते तो हो सकता था कि 2024 में भी उभर जाते, वो हम बढ़ चले, क्या करता ईडी का क्या पालिका, तो साथियों बहुत बड़ी बातें हम नहीं करते, लेकिन सोचो जैसा कहा गया सब कहते सब फिरे, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था जो कसौटी पर खड़ी होकर उसी को मानना चाहिए, मेरी बात को भी मत मानना, मैं कोई सुप्रीमो नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे जो कही जा रही है बात अगर आपके जीवन से प्रभावित न हो, आपके बच्चों को लाभदायक न हो, समाज के लिए लाभदायक न हो, तो नहीं मानना चाहिए, यहां तो भयंकर मूर्खता हो, हम देने वाले बनेंगे देने वाले बनेंगे, अरे 16% कहां देने वाले के, बॉयकॉट की लड़ाई का भी तो हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, उनके आरक्षण आज तक न लालू जी बने यहाँ संसद, मिश्रा यादव थे, पप्पू यादव थे और रामगोपाल जी थे, अखिलेश यादव थे, दर्जनों बार बने घेरा जी भाई पावनकर या कहीं भी, एक आप तो मंडल कमीशन 27% का आरक्षण है किसी डिपार्टमेंट में नहीं लागू हो रहा, बैकलॉग पोस्ट खाली है लाखों के हिसाब से, कुछ करो, कभी नहीं किया, आज हालत है कि 5-6% प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के हैं, 2-3% शेड्यूल ट्राइब के हैं, ओबीसी का 1% प्रोफेसर है, सेम सेम नहीं किया है, इन चीजों का ख्याल ही नहीं, वो तो जाति को इकट्ठा किया, वोट को इकट्ठा किया, एमपी एमएलए तक एमपी एमएलए सरकार नहीं है, एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का या एक का जज आपके मुख्यमंत्री आपके मिनिस्टर से कई गुना पावरफुल हो सकता है, एक पत्रकार एक जर्नलिस्ट, मुझे एक बार नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे
मुझे मैं चाहता हूं कि कोई दलित कैपिटलिस्ट बने, मैं आपको नहीं खुद बिजनेस करते हैं। तो उनका हम हर चीज नहीं हो सकता, उसका एक अलग ही फुल टाइम जॉब। आज अंबानी अकेले चुनाव पलट देता है, आप कहते रहे कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, सारा पूंजी खरीद लेते हैं आपके आदमी से ही आपको लड़ा दे। तो परिस्थितियां बदल गई। तो जो पुराने ख्याल से निकलना है, आज ये हालात तो जीवन का एक अंग आपका होना चाहिए। आप बहुत सारे काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, दोस्ती करते हो, एक छोटा सा 10 मिनट और 15 मिनट आधा घंटा जीवन में अगर एक नियम बना कि हमें दो शब्द लिखना है, तो किसी का फोन आए, हम फोन पर काम की बात करें बजाय के मौसम की बात करें या क्रिकेट की बात करें, तो भी बहुत फर्क हो सकता है। क्या इतना नहीं कर सकते आप? परिसंघ की बात करें, परिसंघ निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई, मैं संसद में रहकर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल पेश किया, इस समाज को समझ में बात नहीं आई। समर्थन मिला होता, वी वुड हैव गॉट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हरियाणा में हुआ है, 70% तक हरियाणा के निवासी को वहां के उद्योगों में मिलेगा। ये एक तरह से कोई दलित आंदोलन में बात होती, कल जो आपने सुना है आप, इस तरह की कोई बात किसी ने कहा? सब किसी की बातें करना, जो कल कहा, परसों कहा, नर्सों कहा, आज जिस परिस्थिति पे हम जी रहे हैं उस परिस्थिति को देखना भी चाहिए। हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, शंभू कुमार जी यहां बैठे हैं, मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया के जगत में शुरुआती के दौर पर एक नेतृत्व हमने दिया और उसका प्रभाव व्यापक पड़ा। हमने टेलीविजन अखबार को नहीं बुलाया, जान के नहीं बुलाया, हमने केवल अपने सोशल मीडिया वो आपको वजह से नहीं बुलाया कि अब आप टेलीविजन बने अखबार बने। अगर यही प्रतिज्ञा आपने कर लिया तो आपका आना सफल हो गया और आपका जीवन का जीने का एक मकसद पूरा हो गया। केवल यही कर लिया, टू वन थिंग दैट ओपन योर ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, आई टेल यू इन दिल्ली कल्चर इज डिफरेंट। आपको आम आदमी पार्टी और बीजेपी फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग माने स्मॉल में स्मॉल वर्ड को देव को आज फेसबुक लाइक, ये अमेले चोर है, यहां पर नाली बंद है, एंड वी आर नॉट डूइंग फॉर आवर लाइफ एंड फॉर आवर लार्जर इशू। रेगुलर फेसबुक एक हफ्ते में कर, या कोई अत्याचार होता है जिसका पास फेसबुक अकाउंट है, 2 घंटा पहले और मैसेज करते हैं कि हम फेसबुक लाइव पर आएंगे, जुड़ने लगे, बोलो, खूब बोलो, लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए, योर मीडिया, सो यू ऑल आर
television or you other newspaper, this I expect from you कि मैं आप सब लोगों से यह उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस मोबाइल के जरिए आप एक टेलीविजन का काम करेंगे, अखबार का काम करेंगे, आप सोच लेंगे तो आपका हो जाएगा, इसलिए हमें मीडिया की जरूरत है। खुद बन जाए, मैं तो खुद ही बना हूं, पूरी पार्टी कहती एक ट्वीट आपका लिखता तो आपका कोई दूसरा लिख ही नहीं, तो बड़ी कहता है क्योंकि मेरे भाव में ही लिख सकता हूं। जब मंच पर प्रियंका जी हैं, सारे नेता उस पर बैठे बैठे मैंने दो कर दिया, किसी को पता नहीं लगा। जब ऐसे आपके पास में वेपन आ गए, राइफल आ गए, AK-47 आ गया, तो मैं चाकू से कैसे काम, चाकू की क्या जरूरत। तो मैं यह मात्र आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एक अखबार और टेलीविजन बनेंगे स्वयं, चाहे छोटा ही अखबार छोटा ही टेलीविजन। और मैं नहीं कहूंगा कि प्रिंट मीडिया पर जाइए, प्रिंट पर जो पैसा लगता है बिना मुझे। तो ये संकल्प हम सब ले सकते हैं क्या, कहीं भी कैच, क्या हम एक संकल्प ले सकते हैं कि हम सब रिपोर्टर बनेंगे, हम सब न्यूज पेपर और टेलीविजन बनेंगे अपने आप में, क्या यह संकल्प लिया जा सकता है? अगर आप लेंगे तो बन जाएंगे, सब रिपोर्टर बन जाएंगे, इतने लोग सब रिपोर्टर बन जाएगा, देश की दफा बदल जाएगी।